दुर्गा का पुजारी है, मैं इस समय मैया मंदिर में जाऊंगा।
नहीं, मैया दुर्गा को पूजा करूंगा, इसके बाद मैं आगे सोचूंगा। हाँ जी, चलो ये सहारा पूजा करे मैया बहन का हाला।
कहती हूँ सर्वनाग सिंह को, बहन कहती हूँ जोगजीत सिंह को, उनसे छोटे भैया के नाम पद्म सिंह, हमारी नाम कुमारी पद्मा है। क्या कहूँ, जिस दिन मैंने पढ़ाई लिखाई कर कर मैंने अपने हाथों से चित्र बनाना सीखी, उस दिन से मेरी भैया जी बहुत प्रेम से, बहुत दुलार से मुझे नाम कुछ चेंज कर कर मेरे नाम को रखे चित्र रेखा। उस दिन से मेरी भैया जी मुझे चित्रेखा कह कर के बुलाती है। क्या कहूँ, मेरे जन्म के पहले बाबूजी मर गए, जब मैं स्वयरी घर में थी तो मेरी माँ मर गई, उस दिन से पोषण पालन मुझे भैया जी ने किया, जब मैं 2 बरस की थी तो भैया जी मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, जब मैं 5 बरस की हुई तो भैया जी मधपुर कॉलेज में पढ़ाना सिखाया, जब मैंने पढ़ लिख कर की जवान हो गई, लेकिन अभी तक मेरी भैया जी मेरी शादी के बारे कुछ नहीं सोचना करती है। ये आई है जापानी सोलापा करती है, क्योंकि आज टाइम हो चुकी है सुबह 8 बज गए, लेकिन मेरी भैया जी मेरी महल के पास अभी तक नहीं आई। मैं कुछ देर मैं चलती हूँ अपनी महल के अंदर, कुछ देर भैया जी की इंतजार करूंगी, क्योंकि अपनी महल में जाऊंगी भैया जी के लिए गरम गरम चाय ताजा ताजा नाश्ता लेकर भैया जी को इंतजार करूंगी। Oh,
सेनापति लोग ड्यूटी छोड़कर कहां गया था रे महाराज? चाय पीने चला गया था। झूठ बोलते हो तुम्हारा साथी 1600 सैनिक फौजी में एक तुम ड्यूटी में लगे हो। ठीक है सजनों, ये शहर सिंगल दीप है। सिंगल दीप का मानसा मेरे पिताजी नाग सिंह, उन्हीं का दो बालक एक पुत्री जन्म लिए सिंगल दीप को अंदर। लंका पति रावण सात समुंदर पार करके अपने किला कायम किया लंका। वैसे मेरे पिताजी सात समुंदर का टॉप में अपनी शहर सिंगल दीप कायम किया। सात तरफ समुद्र को बगल से ही दल दल चल रहा है। हाथी अमर है, घोड़ी अमर है, अमर गाता है।